उस बेवफा ने मेरा दिल शीशे की तरह तोड़ दिया। उस बेवफा ने मेरा दिल शीशे की तरह तोड़ दिया, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता ही मोड़ लिया। अब मोहब्बत की बात मत करना, अब मोहब्बत की बात मत करना, क्योंकि अब हमने मोहब्बत करना ही छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आपकी स्टडी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से चल रही होगी आपकी स्टडी। तो दोस्तों, अब हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। दोस्तों, इससे पिछले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं फिनिश कर चुका हूं। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे 35 से। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए इस शानदार लेसन को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा हुआ है कि आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले बेलन को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया गया था। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब ध्यान रखना है कि शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या, यानी आर बराबर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इसको R1 मान लेते हैं, ओके, क्योंकि दो आर होगा इसमें, और ऊंचाई तो इसको H2 मान लेते हैं, यानी ऊंचाई 2, ठीक है? तो इसमें ऊंचाई हो जाएगा, सॉरी, इसमें भी H1 मान लेते हैं, तो ऊंचाई इसमें कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, ओके। अब ये 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले क्या किया, बेलन है, इसको पिघला करके क्या बना दिया, शंकु बना दिया है। और कहा जा रहा है शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ओके दोस्तों। और कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या यानी R2 ज्ञात करना है। हमने मान लिया है इसको R1 और इसको R2, ये शंकु में मान लिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमने बेलन में मान लिया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बेलन था और इसको पिघला करके शंकु में परिवर्तन कर दिया, यानी बेलन का आयतन बराबर में शंकु का आयतन, जब इसको पिघलाया, इसका मतलब इसके वजन को पिघलाया, वजन यानी आयतन आप कह सकते हैं या फिर धारिता कह सकते हैं। तो बेलन के आयतन बराबर शंकु के आयतन हम लिखेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई गुने आर, आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे आप देख सकते हैं 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 गुने 8, क्योंकि आर स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे, और गुने में एच होता है तो ऊंचाई के जगह पे 2, ये बेलन का आ गया, बराबर शंकु का आयतन होगा, ओके दोस्तों। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, तो आर हमारे पास नहीं है तो आर स्क्वायर ही रहने देंगे, इसको 2 में है, 2 माने थे तो 2 लिखेंगे, और गुने एच, एच हमारे पास 6 है तो मैंने 6 लिख दिया। बस आप क्या करना है, बराबर में है ना, तो ये चेला जी से ये चेला जी कट जाएगा, यानी पाई से पाई कट गया, ओके दोस्तों। अब देखिए, ये 8 गुने 8 और गुने 2 बचा और बराबर, देखिए यहाँ इक्वल ये आया। अब देखिए 3 दूनी 6 काट दीजिए, देखिए बिल्कुल कट गया। अब आपके पास क्या बचा कि R² 2 और गुने में यहाँ फिर 2 बच गया, ओके। अब देखिए ये 2 है, ये 2, 2 से 2 कट गया, ओके। अब देखिए ये 8 गुने 8 है और बराबर R2 है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा, और रूट कहता है हमेशा संख्या को आवाज देता है कि हम 2 में से 1 निकालेंगे, तो यहाँ 2 8 है तो इसमें से 1 8 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं R2 यहाँ 8 है, तो R2 हम किस में माने थे, शंकु में, तो शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी हुई दोस्तों, 8 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से आप समझ चुके होंगे, ओके दोस्तों। तो चलिए, इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन D, ओके दोस्तों, ऑप्शन D में है 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ कि 12 कोशिक स्क्वायर, कोशिक स्क्वायर ए है और माइनस 12 कॉट स्क्वायर ए है, और कहा जा रहा है कि बराबर है, यानी ऑप्शन है इसमें और किसके बराबर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको निकालना तो बहुत ही आसान है, देखिए ये चेला जिधर है ये भी चेला जिधर, दोनों चेला समान है तो कॉमन ले लीजिए, चेला जी बाहर आ गया घर के अंदर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस के कॉट स्क्वायर ए, गुरु जी आ गए अंदर। अब देखिए 12 गुने यानी फर्स्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, और ये जो बीच में देख रहे हैं गुरुजी इसका जो होता है सूत्र होता है कि कोशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 12 से 1 में गुणा किए तो कितना हुआ, हाँ 12 हो गया। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा याद रखिए एक लाठी है ना दोस्तों, तो याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है दोस्तों, 38 में दे रखा है यहाँ और से पढ़िए कि यदि एक मीनार के पास से 200 मीटर दूर, चलिए पहले हम मीनार बना लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ एक मीनार बना लिया, क्या बना लिया, ये मीनार सपोज मान लीजिए ठीक है, खड़ा कर दिया मीनार को, और मीनार के पाद से दोस्तों पाद बिंदु यानी नीचे वाला ठीक है, तो पाद से कह रहा है कि 200 मीटर दूर, इधर खींचिए या फिर इधर खींचिए कहीं भी खींचिए, चलिए हम इधर खींच देते हैं 200 मीटर दूर, चलिए हम 200 मीटर दूर आ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो 200 मीटर दूर स्थित बिंदु से, चलिए यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये मीनार है इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, तो ये 60 डिग्री है, और कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई यानी ये वाला जो हाइट देख रहे ये ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि समकोण त्रिभुज में ये जो होता है ये होता है पी और ये होता है बी, तो ये पी निकालना है यानी ये वाला ज्ञात करना है, तो आपको पी बाई बी किस पे जाएगा, टेन पे जाएगा, तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो थीटा के स्थान पे हमको रखना है क्या, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री रख लेंगे, पी बाई बी यानी ए बी और बट्टे में बी सी। ओके, तो टेंशन लेने की बात है, टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बराबर, अब देखिए ए बी है तो ए बी, चलिए ए बी हम मान लिए ठीक है, और बी सी की जगह पे रखेंगे 200। अब यहां से आर पार गुना कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तिरछी गुना या कैचिय गुना कह सकते हैं इसे, तो दोस्तों इसको गुना करेंगे ए बी से 1 में गुना करेंगे तो ए बी होगा, और देखिए 200 से रूट थ्री में गुना करेंगे तो कितना होगा 200√3। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी में है 200√3 मीटर। आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि बात आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों 39 में दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ओ हो यानी कोई बिंदु P है उससे कर O केंद्र वाले, तो O केंद्र किस में, वही वृत्त में होगा, तो चलिए हम पहले वृत्त बना लेते हैं, और इसका कह रहा है कि O केंद्र वाले, चलिए O केंद्र बना रहे, अब कोई बिंदु P से, तो P से कहा जा रहा है कि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों यहाँ से स्पर्श रेखा जो छू करके जाना है, तो यहाँ से एक बिंदु से यहाँ देखिए स्पर्श रेखा हम खींच दिए तो यहाँ पर आया, तो इसको मान लेते हैं पी ए और पी बी, तो इसको मान लेते हैं चलिए पी बी, चलिए यहाँ मान लेते हैं बी, तो आप यहाँ देख सकते हैं पी बी हो गया, और ऊपर खींच लेते हैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा, इसको मान लेते हैं क्या, तो ए, तो आप देख सकते हैं कि ओ केंद्र वाली ये जो वृत्त है उस वृत्त पर पी और पी बी मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया, और कहा जा रहा है कि केंद्र वाले किसी भी इतना ही स्पर्श रेखा खींच रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका, यानी ये कोण जो है वो 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, चलिए 80 डिग्री के कोण पर झुक गया, झुकी हुई है, तो कोण पी ओ ए ज्ञात करना है, यानी पी ओ ए ज्ञात करना, यानी ये वाला यहां से लेके यहां तक ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोण पी ओ ए एक समकोण त्रिभुज है ना दोस्तों,
तो आपको पता होगा कि जहां स्पर्श करता है रेखा कोई बाहरी बिंदु से, वहां पर हमेशा क्या होता है, लंब होता है। लंब यानी 90 डिग्री। ओके दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया, और ये देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा कोण 80 डिग्री है। तो बताइए यहाँ बीच में गया बेचारा, आधा आधा फाड़ कर दिया, हटा दिया, तो यहो 40 है, यहो 40, तो ये कोण कितना डिग्री, 40 डिग्री हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये 40 और ये 90, तो ये पूछ रहा है ये कोण कितना है ना, यानी ओ वाला कोण कितना पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 9 4 13 माइनस के 130 डिग्री घटा देंगे, तो हमारे पास कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री। ओके दोस्तों, देखिए आंसर आ चुका है हमारे साथ। ओके तो फ्रेंड्स, 39 का जो हमारा आंसर हो गया वो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक से हमें खुशी होती है। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में दिया हुआ है कि 10 9 डिग्री गुने 10 81 डिग्री अब गुने 10 60 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब पूछ रहा है बराबर है, किसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से इस दो भाग में के एक छांट अलग कर लीजिए और ये 10 60 डिग्री का इसका सूत्र लिख देंगे। तो आप बताइए कोई एक को बदल लेना है, तो 10 9 डिग्री है तो इसको बदलेंगे क्या कॉट में, देखिए कॉट 10 थीटा का सूत्र होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के स्थान पे 9 डिग्री हम यहाँ 9 डिग्री पटक देंगे, और गुने में है 10 81 डिग्री गुने 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको पता ही होगा कि रूट अंडर 3 होता है। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉट है तो कॉट 90 में से 9 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा 81 डिग्री, और गुने में 10 हो जाएगा 81 डिग्री और गुने में √3। अब बताइए आप ही कि cot 81 डिग्री और 10 81 यानी थीटा के स्थान पर, तो cot थीटा गुने 10 थीटा क्या होता है सूत्र 1 होता है, और गुने में √3। तो अब बताइए इसमें गुना करेंगे तो √3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया √3। तो देख लेते हैं ऑप्शन कितना में है, तो 40 का जो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो दोस्तों 41 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक 5 और -3 है। कोई बहुपद है और उसके शून्यांक पहले दे रखा है, यानी शून्यांक दे रखा है, और कहा जा रहा है कि भैया बहुपद बताइए। तो सिंपल है, जब शून्यांक है तो दो शून्यांक है, एक को मानेंगे अल्फा एक को मानेंगे बीटा, तो अल्फा बराबर जो पहले है उसको मान लेते हैं 5 और बीटा मान लेंगे क्या तो -3। अल्फा और बीटा मैंने मान लिया और याद क्या करना है बहुपद, तो द्विघात बहुपद वाला सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है याद रखिए। तो बहुपद निकालेंगे x² है तो x² जैसा वैसा रहने देंगे। अब अल्फा हमारे पास 5 है, प्लस है लेकिन बीटा हमारे पास -3, तो प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, बीटा के जगह पे पटक देंगे 3, और x है तो x रखेंगे प्लस, अल्फा के जगह पे 5 पटकेंगे, बीच में गुना छिपा रहता है गुना रखेंगे, बीटा के जगह पे -3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, x² है तो x² आप देख लीजिए माइनस तो माइनस, 5 में से 3 घटाइए तो कतेक होगा, तो 2 होगा ना, तो 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, अब देखिए प्लस माइनस में गुना करेंगे तो -5 15। अब बताइए आ गया बहुपद, देख लीजिए ऑप्शन कितना में है। तो दोस्तों देख सकते हैं शुक्ल दिखाई देता है कि ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन लेते हैं 42। तो दोस्तों 42 में दे रखा है यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा। बहुत इजी है, इतना इजी सवाल तो कहीं नहीं देखे। देखिए सबसे पहले वृत्त है, वृत्त का जीवा कहाँ, नीचे वाला भाग, यहाँ देखिए जीवा बना दिए, अब कहाँ सेंटर तो बीच में, तो कह रहा है कि जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है,
लीजिए हम तिरजा हम यहाँ से जितना हो सके हम खींच लीजिए, ठीक है। तो इजी बात, दोनों तिरजा के बराबर हुआ, तब बताइए क्या बना। तो ये बना त्रिभुज, ट्रायंगल बन गया। ओके दोस्तों, तब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एहो कोण हो गया 60 डिग्री, एहो कोण 60 डिग्री, और एहो कोण 60 डिग्री। ओके, बांट दिए। तो आप बताइए कितना डिग्री का कोण बना, तो 60 डिग्री का कोण बना। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है 43, और 43 में द्विघात बहुपद दे रखा है। ओ सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि द्विघात बहुपद रहता है तो इक्वल में जीरो नहीं रहता है, ये द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि अगर द्विघात समीकरण रहता है तो बराबर में जीरो रहता है, अगर जीरो को हटा देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाता है। तो ये होगा द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर और प्लस के ए एक्स और प्लस के सी बराबर में जीरो। कहा जा रहा है विविक्तकर होगा, यानी आप विविक्तकर ज्ञात कीजिए या विवेचक ज्ञात कीजिए या फिर डी ज्ञात कीजिए, तीनों एक ही बात है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं डी बराबर। याद रखिए यहाँ थोड़ा कुछ घुमा हुआ है कि ये पहला ए, तो ए के स्थान में पटक देना है बी, एक्स वाला मान तो लेना नहीं है, ए के स्थान पे बी पटकना है और बी के स्थान पे ए पटकना है और सी के स्थान पे सी रखना है। ओके दोस्तों, तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके दोस्तों, अब बताइए कि बी के स्थान पे कतेक है, तो बी के स्थान पे ए है तो ए लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस तो माइनस। अब ये देखिए 4 है तो 4 इस बीच में क्या छिपा है, तो मल्टीप्लाई भूत प्रेत की तरह छिपा रहता है, तो हम गुना लगा दिए। अब ए हमारे पास कितना है, तो देख सकते हैं कि ए के जगह पे बी है गुने सी के जगह पे सी है, तो इसका हो गया ए स्क्वायर माइनस 4bc। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कितना में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 4ac। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि बात आप बेहतर से समझ सके। दोस्तों अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है। अब 44 में कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी यानी एपी है ना, तो एपी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5, 8, 11, तो सबसे पहले इसमें ज्ञात कर लीजिए प्रथम पद, तो जो पहले दिया हुआ है प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद हो गया 5, और डी ज्ञात करने का सबसे उत्तम फॉर्मूला बताया हुआ है कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद 8 है, घटा देंगे पहला पद 5, तो बचेगा 3। तो ए ज्ञात हो ये गया, डी ज्ञात हो ये गया, और जो 24 पदों का योग यानी एन पदों का योग, यानी एन के जगह पे आपको पटकना पड़ेगा वो 24, ठीक है। और देखिए पदों के योग का सूत्र होता है यानी एस एन बराबर जो सूत्र होता है, देख लीजिए एन बाई 2 × 2a + n − 1 × d, आई बड़का पोस्ट लगा दीजिए। अब बस सिंपल है, n के जगह पे 24 रखेंगे या 2 है तो डायरेक्ट बचेगा 12, काट दिए, n के जगह पे 24 रखेंगे 2×6 = 12 ना कटेगा, सॉरी 12×2 = 24 कट गया। तो देखिए अब इधर आ गया 2 और गुने में a, तो 2 से a के जगह पे 5, तो 5×2 = 10 हो गया, डाट कर रहे हैं है ना। अब प्लस है तो प्लस, एन के जगह पे कितना है 24, और 24 में से एक जाएगा तो कतेक बचेगा 23 बचेगा, तो 23 आगुने में डी के जगह पे कतेक रखेंगे 5 रखेंगे ना, सॉरी 3 है तो 3 रखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से 12 और कोष का मतलब गुना होता है, सब अंदर काम कर लेते, 23 किया कितना होता है 3 × 9, 3×6 तो ये हो जाएगा 69, और 69 और 10 जोड़ देंगे तो कतेक होगा 79 होगा, और 79 में 12 से गुना कर दिए, 12×9 = 108 हो जाएगा, और हासिल जाएगा कितना यानी कैरी चला जाएगा 10, 12×7 = 84 या 10 जोड़ दीजिए तो कतेक हो जाएगा, तो 94 हो जाएगा है ना, तो 948 आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए, तो ऑप्शन बी में है 948, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है कि यदि 3a = 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो सेक ए का मान पूछ रहा है, यानी सेक ए बराबर वाई,
बताइए आप कितना मान होगा। सिंपल है, देखिए ए है तो ए, दोनों में क्या संबंध है, यानी गुना का संबंध है, तब बराबर से इधर खींच के लाएंगे ना तब 90 के बट्टा में जाएगा, यानी इसको पक्षांतर कहते हैं कि बराबर से इधर लाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में जाएगा, गुना रहता है तो गुना के संबंध में है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में, तो काटिए 30 डिग्री, यानी 30 90 तो ए के जगह पे आया 30 डिग्री, यानी जहां जहां ए मिलेगा वहां 30 डिग्री फटक देना। तो सेक ए का मान याद करना था, तो सेक है तो सेक, ए के जगह पे 30 डिग्री आया तो 30 डिग्री। अब बताइए सेक 30 डिग्री का मान कतेक होता है, तो 2/√3 होता है। देखिए कितना इजी से आ गया हमारा आंसर, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप बड़े ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।